हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नवजोत टॉक्स। मैं हूं नवजोत। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूं कि कैसे आप कुछ ऐसी मिस्टेक्स करने से खुद को बचा सकते हैं जिससे आपका रिजल्ट जो है वो एग्ज़ाम में पॉजिटिव आए। बहुत सारी मनी हम स्पेंड करते हैं, क्लासेस लेते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ देखते हैं, बहुत सारे नोट्स लेते हैं, लेकिन क्या उससे रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो इसमें मिस्टेक किसकी है? अब ना तो किसी कोचिंग देने वाले की है, ना वो आपकी है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि वो जो एक मिस्टेक हो रही है, वो जो एक मिसिंग पार्ट है वो क्या है। ऐसी कुछ टिप्स दूंगी मैं आपको इस वीडियो में, जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो मैं नहीं मान सकती कि आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। बहुत बार मैंने कुछ ऐसे बच्चों को एग्ज़ाम पास करते देखा है जिन्होंने बोला कि हमने सिर्फ 7-8 Ds की स्टडी की थी और हमारा एग्ज़ाम पास हो गया, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी अपना एग्ज़ाम सिर्फ सॉन्डर्स को पढ़ के 7 और 8 Days में पास किया था। मुझे याद है कि मेरे पास सिर्फ 11 Days टोटल थे जिसमें मैंने 7-8 Days की प्रेपरेशन की थी, फिर भी मेरा एग्ज़ाम पास हो गया था, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ी जो मुझे पता था मुझे नहीं पढ़नी चाहिए। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं ना, तो हम इधर उधर के रिसोर्सेज, यूट्यूब पे वीडियोस देख ली, हमने कोई फ्री के क्वेश्चंस हैं उनको कर लिया, उसमें क्या होता है जो हमारा बेसिक कंसेप्ट होता है वो छूट जाता है, वो पीछे रह जाता है, और हम उसको अगर नहीं समझते हैं तो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है वो एज़ इट इज़ यू वर्ल्ड की तरह नहीं आता है, एज़ इट सॉन्डर्स की तरह नहीं आता है, तो वहाँ हम फेल हो जाते हैं। तो नंबर वन मिस्टेक्स जो नर्सेस करती हैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के टाइम पे, वो ये करती हैं अननेसेसरी क्वेश्चंस को करना, अननेसेसरी टॉपिक्स को बार बार पढ़ते रहना, जो मेन चीज़ें उनको पढ़ते ही नहीं हैं। तो कैनेडियन वर्जन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कैनेडियन सॉन्डर्स एक बहुत ही ऐसी मानी हुई बुक है जिससे लोगों का एग्ज़ाम पास होता है, लेकिन शर्त ये है कि आपको वर्ड टू वर्ड रीड करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि वो आपको देना क्या चाहते हैं सिलेबस में, कहना क्या चाहते हैं। यू नो, जब हम इंडिया में होते थे तो हम NCERT को पढ़ते थे, हम फिर भी RD शर्मा और कितनी और बुक्स जो होती थी उनको फॉलो करते रहते थे। अब वो बुक्स क्या होती थी, वो हमें डिटेल में चीज़ें बताती थी, लेकिन सॉन्डर्स NCERT की तरह हैं जो हमें सिलेबस देती है कि हमें ये पता होना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल आप कार्डियो कर रहे हैं, कार्डियो में आप राइट साइड हार्ट फेलियर कर रहे हैं, सॉन्डर्स में आपको जितना लिखा है वो आपका सिलेबस है NCLEX एग्जाम के लिए, सिंपल। लेकिन अगर आपको उसमें समझ नहीं आ रहा है तो आप मॉसबी को, कैपलन को, लिपिनकॉट को, यू वर्ल्ड की कुछ चीज़ों को देख सकते हैं और यूट्यूब पे कुछ वीडियोस लर्न कर सकते हैं। तो इससे आपको उसी टॉपिक के ऊपर डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी, उसी टॉपिक के ऊपर एक डिफरेंट वर्जन में समझाया जाएगा, सिलेबस वही है। तो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए करेक्ट सिलेबस पता करना, जो है सॉन्डर्स। सेकंड स्ट्रेटजी है अननेसेसरी नोट्स टेकिंग, नहीं करनी है आपको ये। बहुत सारी नर्सेस को मैंने देखा है, दे हैव पुट पेपर्स ऑन देयर वॉल्स, दे हैव फिल्ड सो मेनी बुक्स, नोटबुक्स, पर क्या वो एक्चुअली में आप एग्जाम के टाइम पे उसको रिवाइज कर रहे हैं? अगर तो आप कर रहे हैं फिर तो आप ये कीजिए, लेकिन अगर आप मेरी तरह है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कोई नोट्स लेती हूँ तो मैं एग्जाम टाइम पे उन सब नोट्स को नहीं एक्सेस कर पाती, तो तब मुझे स्पेशली मुझे क्या हेल्प करता है, वो होता है हाईलाइट करना बुक को। फॉर एग्जाम्पल सॉन्डर्स में आपको कलर कोडिंग करनी चाहिए, येलो कलर में मार्कर ले लीजिए, ग्रीन कलर में ले लीजिए, जो येलो है वो है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो ग्रीन है वो है जिसके ऊपर आपने क्वेश्चंस किए फिर भी वो गलत हो रहे हैं। अब जब आपका एग्जाम होगा लास्ट वाले 5-7 Days में, आपने सॉन्डर्स को उठाना है, देखना है क्या येलो था और क्या ग्रीन था। जो ग्रीन था वो आपको आपने 2-3 बार और पढ़ना है ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्वेश्चन गलत ना हो। जो येलो था उसके लिए आपने यूट्यूब की वीडियोस देखनी है, उसके लिए आपने देखना है कि कहीं और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिसको मैं अच्छे से रिव्यू करके अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकती हूँ। आपको एग्जाम्पल देती हूँ मैं, मान लीजिए आप सॉन्डर्स में कार्डियो कर रहे हैं, आपका कार्डियो अच्छे से हो गया है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको समझ में नहीं है, आपके क्वेश्चंस भी ठीक ठाक चल रहे हैं, मतलब मोर देन 50-60% आपको आ रहे हैं, फिर भी जब आप यू वर्ल्ड करते हैं आप कार्डियो ही करे जा रहे हैं, फिर भी जब आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं आप कार्डियो की वीडियोस ही देख रहे हैं, डू यू थिंक इट्स वर्थ? नो, बिकॉज आपके कंसेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हैं। अब आप और क्या करना चाहते हैं? RN NCLEX is just an entry level exam. It's not master's degree. It's not an NP entrance exam. इसमें आपको वो चीज़ें पूछते हैं जो उनको make sure करना है कि आप अगर खुद से काम कर रहे हैं without supervision, मतलब supervision तो होती है लेकिन without much supervision, क्या आप competent हैं, क्या आप safe हैं practice के लिए?
अब ये एक स्ट्रेटजी आप अप्लाई करके देखना, आपने ईयर, आई, रेस्पिटोरी, जीआई, मेंटल हेल्थ और चेंजेस इन द ओल्ड एज, ये सब आपने सॉन्टर्स में से मान लो सॉरी कर लिया। फिर आप YouTube पे जाते हैं, इसी के ऊपर वीडियोस देख रहे हैं देखने के लिए कि और कोई क्या अच्छे से बता रहा है। अब जो कोई और अच्छे से बता रहा है इट्स जस्ट अ वे टू एक्सप्लेन द थिंग्स, लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर हैं। अगर आप सॉन्डर्स पढ़ के अपने यू वर्ल्ड में, अपने सॉन्डर्स में मोर देन 50-60% करेक्ट कर पा रहे हैं, विच मीन्स आपके कंसेप्ट क्लियर हैं। अभी बस स्ट्रैटेजी शार्प करनी हो तो क्वेश्चन को समझने की, अब अगर स्ट्रैटेजी पे काम करना है तो वही है कि प्रैक्टिसिंग करनी है क्वेश्चन की, कंसेप्ट क्लियर हैं। थर्ड जो सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं वो ये होता है कि जो हमें कोई और बताता है हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अब ये मेरी वीडियो के लिए एप्लीकेबल शायद नहीं होगा क्योंकि मैं भी आपको कुछ बता रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये फॉलो नहीं करना है। मेरा कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके किसी फ्रेंड ने बता दिया कि मुझे सॉन्डर्स में से कुछ नहीं आया, मुझे सब कुछ यू वर्ल्ड वाला आया, तो अभी अपने सॉन्डर्स छोड़ी यू वर्ल्ड उठा ली। और फिर किसी और ने आपको बता दिया कि यू वर्ल्ड में तो कुछ आता ही नहीं है, सब कुछ तो सॉन्डर्स में से था, क्योंकि उन्होंने चीज़ों को समझा उस वे में था। आपने जो पकड़ लिया, मैं जो एडवाइस करती हूँ वो सॉन्डर्स है, आपने जो एक बार पकड़ लिया टूल, उस टूल को अपना प्राइमरी टूल बना के चलना है। फिर स्विचिंग नहीं करनी है कि उसकी वीडियोस देखो, उसके नोट्स ले लो, वो बुक को छोड़ दो, क्योंकि अभी आपने हर आप देखना अच्छे से, हर बुक एक डिफरेंट वे में डिज़ाइन की हुई है। लिपिनकॉट में ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, सॉन्डर्स में किसी भी चीज़ की एनाटमी है, फिजियोलॉजी है और मेन पॉइंट्स हैं। तो अगर आपको एक बार उस चीज़ की आदत पड़ गई 5-6 चैप्टर्स की, आपका फ्लो अच्छा बन रहा है, डोंट स्विच, क्योंकि फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जब आपको लगेगा कि अरे इसने बेटर एक्सप्लेन किया हुआ है, मुझे बस वो बुक छोड़ देनी चाहिए। बट मे बी दैट्स जस्ट वन टॉपिक दैट्स एक्सप्लेन इन अ बेटर वे अकॉर्डिंग टू यू बट नॉट मी, मे बी नॉट समवन एल्स। फिर एक और स्ट्रेटजी आती है जो आपको फॉलो करनी है, वो ये है कि अगर आपका कोई येलो में है, आपने शेड किया हुआ है मार्कर से या हाइलाइटर से, आपका वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है, फिर आपने 3-4 बुक्स देखनी है, उसमें से बेस्ट किसने एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर उसको देखो, उसको रीड करो, फिर सॉन्डर्स के या जो आपका प्राइमरी टूल है उसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखो क्या अब हो रहे हैं। अब हो रहे हैं तो वो सेकेंड टूल जो आपका बेस्ट है, मतलब एक सेकेंड सोर्स है जिसको आपने कंसिडर करना है समझने के लिए चीज़ों को। आप रियलाइज करके देखना, अगर आप एनक्लक्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं, एक बुक से कर रहे हैं और थॉरोली कर रहे हैं, 100% दे रहे हैं अपना, वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, आई थिंक नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम पासिंग द एग्जाम। पर हाँ, अगर आप सुबह 7-10 कार्डियो कर रहे हैं सॉन्डर में से, फिर रात को किसी की यूट्यूब वीडियो देख ली, लगा ये ज़्यादा अच्छे से करवाता है, तो सारा बाकी सॉन्डर्स छोड़ के उसकी वीडियोज़ ही देखने शुरू कर ली। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, अगर मुझे एक वीडियो बनानी होगी ना कार्डियो के ऊपर या रेस्पिटरी के ऊपर, मैं जो मुझे पता है मैं वो बोलूँगी, या जो मैंने बाकी बुक्स में से पढ़ा मैं वो बोलूँगी। लेकिन ये जो बुक्स होती हैं, ये उन लोगों ने डिज़ाइन की हुई हैं जिनकी MSc नर्सिंग है, जिनकी अच्छी डिग्री की हुई है, मतलब अच्छी तो सबकी होती है, लेकिन जिनकी उस चीज़ में प्रैक्टिस है, एक्सपीरियंस है 10 ईयर्स का, 15 ईयर्स का, क्वेश्चंस को डेवलप करने में, क्वेश्चंस को प्लान करने में और आपको देने में, तो ये आपको यूज़ करना है। फिर एक स्ट्रेटजी आती है सॉन्डर्स को कैसे यूज़ करना है। देखो, जो मैंने चीज़ की थी ना, मेरे केस में वो काम आई थी, 100% आई थी, वो ये है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं सॉन्डर्स के, कोई भी चैप्टर्स करने से पहले उसके क्वेश्चंस करके देखो। मेरे केस में ये काम आई थी, सॉन्डर्स में हार्डली 15-20 क्वेश्चंस होते हैं हर चैप्टर के बाद। अगर आपने देखा क्वेश्चंस करके, ये स्ट्रेटजी मैंने क्यों यूज़ की थी, जब मैं IELTS की ट्यूटर हुआ करती थी ना इंडिया में, और उसके पहले जब मैं अपने एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रही थी IELTS के लिए, तो मैंने ये नोट किया था कि जब हम किसी क्वेश्चन को पहले करते हैं जैसे रीडिंग पैसेज में, तो बाद में हमें लोकेट करना ईजी हो जाता है और हम चीज़ें याद रहती हैं। तो फिर मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ें बताई और वो वर्क की, तो ये मेन यही स्ट्रेटजी मैंने तो अपने सॉन्डर्स एग्ज़ाम के लिए यूज़ की, तो ये तब भी काम आई। जब आप 15-20 क्वेश्चंस विदाउट रीडिंग द चैप्टर कर रहे हो ना, तो आपको पता चल जाएगा अपना लेवल कितना है। अगर आपके 15 में से 7-8 सही जा रहे हैं, विच मीन्स आपके कंसेप्ट ठीक ठाक हैं, थोड़ा सा रिवाइज करके आप हो जाएंगे क्लियर। फिर जहाँ गलत हुआ, रैशनल को पढ़ा, फिर जब चैप्टर को पढ़ रहे हो ना, हाँ ये गलत हुआ था, मेरा तो 2 बार प्रिपरेशन तो अभी हो गई आपकी, 2 बार रिविजन तो अभी हो गई आपकी,
हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले पूरा चैप्टर रीड करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर सोचते हैं कि रीड भी किया था तब भी नहीं हुआ, फिर दोबारा से शुरू करते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है, पहले क्वेश्चंस करने वाली, फिर देखने वाली रैशनल रीड करने के बाद कि ये मेरा यहाँ गलत हुआ, फिर जब दोबारा आ जाएंगे आप, फिर आपको इससे पता क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी लैब वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन, आपको नहीं आया उसका आंसर, आपने रैशनल पढ़ लिया, जब सॉन्डर में आप लैब वैल्यू लोकेट कर रहे हैं ना कि यहाँ मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था, तब आसपास की चार पांच लाइनें भी जो इंपॉर्टेंट होती है वो आप अच्छे से पढ़ेंगे, और जो वीक कंसेप्ट होता है उसका हमारा आंसर गलत होता है, तो वो कंसेप्ट शार्प हो गया। ये करके देखिए और फिर मुझे बताइए कितना अच्छा रिजल्ट आता है। बिलीव मी यू कैन डू इट। आई हैव सीन पीपल पासिंग द एग्जाम जस्ट बाय फॉलोइंग वन बुक। आई हैव सीन पीपल पासिंग देयर एग्जाम जस्ट बाय फॉलोइंग what they have been doing from the nursing school, उसी को continue करते हुए and they were able to do it. अगर आप अपना BSc nursing degree pass कर सकते हैं minimal support से, हमारे teachers अच्छा पढ़ाते थे लेकिन उनकी support जैसी थी वो थी हमें concept clear कराने में, उसके बाद सब हमारा होता था, चीज़ें हम इतनी learn करके store करके exam में लिख सकते थे, अब वही चीज़ों को recall करके exam देना है। कुछ भी hard and fast ऐसा नहीं है कि यही करोगे तभी exam pass होगा। हाँ, सब लोग अपनी अपनी यू नो एडवाइस देते हैं, सजेशंस देते हैं, जिसको कभी कभी फॉलो करके हमें लगता है कि हम थोड़ा ट्रैक सीधा हो गया और चीज़ें इजी हो गई हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, बी मोटिवेटेड, बी इनकरेज, इट्स ऑल योर क्रेडिट, नोबडी एल्स।